मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री करण वर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि सीहोर जिले की इच्छावर सीट से विधायक चुनकर आए हैं। वरिष्ठ विधायकों के मध्य प्रदेश में इनकी गिनती होती है, और वहीं राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग करण वर्मा जी को मिला है। करण जी, जमीन नापनी पड़ेगी अब? जमीन नापनी पड़ेगी अब राजस्व विभाग? मैं पहले में ले चुका हूँ, जमीन ही नापता सबकी। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे जो जवाबदारी केंद्रीय हमारे सम्मानीय मोदी साहब ने, नड्डा साहब ने, अमित साहब ने, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे डाक साहब मोहन यादव साहब ने, संगठन मंत्री, मुझे जवाबदारी दी है उसे पूरी जमीन। आजकल तो हमारे पास मशीन भी आ गई, हम संपूर्ण जमीन नाप देंगे। और जहाँ भी अगर गड़बड़ी हुई वो सब देखते हैं, मैं तो किसान हूँ और सब जानता हूँ इस बारे में। हमारी जमीन, हमारा इलाका, हमारे नाम, कहीं ना कहीं जवाबदारी मिलने में बड़ा टाइम लग गया। देखो, हमरो किसान जो है नहीं, वो मैं छोटो तो सो जब तेसी तेसी भटकते थो, वो कि जमीन कोई नापने नहीं आते थो, वो के कोई बई बनेंगे तो बई नहीं मिलती थी तहसील में, और वो एक तरह से गुलामी का शासन था। अगर हम पहले देखें 3-4 बार, अब कही है कि मैं ही को है, अब किसान को बैठो ही मंत्री बनेंगे तो अब कैसे सब चीज जाने हो, तो कि नामांतरण कैसे हो, तहसीलदार कहीं पूछे पटवारी से, वो को कहीं करे, सब दलाल होने जो घूमता फिरे, कहीं को दलाल भी है, वो तो सबके ठीक कर दूंगा मैं। क्योंकि मैं यानी मुझे लोग जानते हैं, कानून हम एक जैसे ही होना चाहिए। हमारा कानून मध्य प्रदेश का एक ही है और बहुत अच्छा। अभी हमने तहसीलों में साइबर तहसील बनाई है। अब किसान अपना रजिस्ट्री करने जाएगा ऑटोमेटिक 12 दिन या 15 दिन में उसका स्वयं नामांतरण अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कोई अगर कोई दिक्कत है, कोई एक मामला है और किसी ने आपत्ति लगाई है, तो उसको हम बहुत जल्दी सुनवाई करेंगे। उसकी कोई मामला ऐसा है कि दो भाई की जमीन है और एक भाई ने बेच दी है, पर जिसका सेम एक ही परिवार की जमीन है और एक ही व्यक्ति की है, उसको नामांतरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अपनी एक सोच बताई कि मध्य प्रदेश के जिले और तहसीलों का फिर से सीमांकन होना चाहिए, फिर से उनके क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनको फिर से नापना चाहिए, ताकि जो दूरस्थ जगह है जिले से वो कहीं ना कहीं दूसरे जिले में मिलकर पास में आ जाए। इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा है, तो बहुत पहले होना चाहिए था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पहले होना चाहिए था। अब मेरी तहसील में एक गांव यहाँ है और एक अंतिम भी तहसील में है। अब मेरे करीब जो गांव जुड़े हुए हैं, मान लो अमलाय के पास, तो वो जुड़ना चाहिए था। ये तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा मध्य प्रदेश, पूरा मानचित्र मध्य प्रदेश का बनाएंगे। अभी हम नए थाने बनाएंगे, नई तहसीलें बनाएंगे, ताकि किसानों को सारी सहूलत हो। क्योंकि वो किसानों ने हमें बहुत पसंद किया है, बहुमत दिया, तो उनके अनुरूप हम काम करेंगे। अगर ऐसा क्या हुआ कि भोपाल राजधानी पास है, इंदौर भी ज्यादा दूर नहीं है, देवास भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी सीहोर को जो विकास करना चाहिए था, औद्योगिक दृष्टि से माने, आर्थिक दृष्टि से माने या अन्य क्षेत्रों में माने, वो विकास सीहोर नहीं कर पाया? नहीं, देखो सीहोर में भी बहुत हमने फैक्ट्री लगवाई है, पनीर फैक्ट्री वहाँ है, नट बोल्ट की फैक्ट्री वहाँ है, और एक चमड़े का काम होता है वो फैक्ट्री में हमारे यहाँ है, और अभी हम बहुत बड़ा इंजन का उद्योग, वहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, वो भी खुल रहा है, और जो कमी होगा उसको पूरी करेंगे हम सब मिलकर। मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे सीहोर के विकास के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए। किसानों की बात करें तो गेहूं, सोयाबीन, और अब सीहोर धीरे धीरे संतरों के ओर भी बढ़ रहा है, संतरे भी सीहोर के जिले में होने लगे हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, वो भी लगा रहे। मैं स्वयं बिगर खाद का गेहूं बोता हूं। गेहूं का बताइए, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले तो लोग भाषण ही नहीं करते थे, किसानों के नाम कोई आते ही नहीं था। पहले प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने, शायद कभी रोटी कपड़ा मकान आपने देखी होगी, हिंदुस्तान के लोगों को कभी रोटी नसीब नहीं होती थी, भूखे मरते थे, कपड़ा नहीं मिलता था, मकान नहीं मिलता था। मोदी जी ने रोटी के लिए फ्री में गेहूं का इंतजाम किया, ऐसा प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री लोकप्रिय तो है, पर लोग श्रद्धा रखते हैं, आप भी श्रद्धा रखते हैं। कई लोग मेरे, हमारे कांग्रेस के मित्र मिलते हैं कि साहब हम आपको तो वोट नहीं दिया, हम मोदी जी को वोट देंगे, यानी लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं।
रोटी के लिए उन्होंने गेहूं का इंतजाम किया, कपड़े के लिए 6,000 रुपये वो वहां से किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं, मकान बना ही रहे हैं। सब लोगों को गांव में प्रत्येक आदमी को मकान मिलेगा, ऐसी सरकार मैं तो 85 से हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। पहले प्रधानमंत्री कभी एक रुपया नहीं देते थे, पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा और आज गेहूं का भाव 2700 कर दिया। कौन करता था 2700 का भाव किसान के पास गेहूं हो, मध्य प्रदेश से गेहूं के उसमें मशहूर। तो मैं मानता हूँ कि इससे अच्छी सरकार दुनिया में कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। पदभार आज ग्रहण कर लिया है, सबसे पहले वो तीन काम जो आप करने वाले हैं। पहले तो मैंने एक अनियमित एक व्यक्ति ने की थी तो जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे, एक्शन शुरू हो गया और भी जहाँ भी जाएंगे तत्काल। पहले उनसे प्रार्थना करेंगे, हमने हमारे पीएस से बात की है, हम जाएंगे संभाग वाइज कलेक्टर और कमिश्नर के कि भाई ये कई मामले ऐसे कि बेचारे के नामांतर नहीं हुए आज तक, मैंने देखा नामांतर नहीं, वो भटकता। एक हमारे एक झागरिया का व्यक्ति था, 6 महीने में नामांतर हुआ उसको एसडीओ के पास, जब पावर ही नहीं है एसडीओ को, पावर तो पूरा 23,000 को मरो, उसे बेवकूफ बनाते थे। और मैं जानता हूँ कहने की बातें नहीं है, उसे बहुत भुगतना पड़ा और रोते रोते कह रहे थे अगर आप रेवेन्यू मिनिस्टर होते तो ऐसा नहीं होता, ये तत्काल होना चाहिए। हमने नियम बनाए, नियम का अनुरूप अगर नियम का काम तो वो जैसे मैंने कहा कि मेरी पूरा राजस्व विभाग है, हाथ पैर तहसीलदार ये पटवारी आई अच्छे लोग जो बहुत ही अच्छे लोग काम करते हैं उनको भोपाल इंदौर रखा जाएगा, अच्छा काम करेगा। और जैसे मैंने कहा कि हम दवाई का इंतजाम करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, शरीर को कैंसर हो जाता है ना कभी कभी, और जब वो कहीं गड़बड़ हो गया हो कि आप ये काटना ही पड़ेगा तो काट कर फेंक देंगे उसे, हम नहीं बगसते, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, हम राष्ट्र के लिए काम करना है, हमें कोई दुनिया से मतलब नहीं, हम देश की सेवा करना है और देश की सेवा करने में किसी की चाय पीना भी गाय के मांस बराबर है। देश की सेवा करने में किसी की चाय भी नहीं पीएंगे, मतलब सीधा सा मतलब है कि नपोगे भी और सधेगोगे भी, सधोगे भी। अब राजस्व विभाग में आने वाले समय में तय बात है कि काम की गति जो है वो बढ़ने वाली है। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनय श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।